आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, बहुत टाइम से एज अ रिक्वेस्ट आ रही है कि धूप में बैठने से हमारी स्किन ब्लैक होती जा रही है, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताइए, यानी कि हम धूप में बैठ भी सके और हमारी स्किन काली ना हो। सो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि धूप में कभी भी सनलाइट के संपर्क में नहीं बैठना चाहिए, यानी कि सीधे से आपके फेस पे सनलाइट का स्पॉट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें UVA, UVB ऐसी रेडिएट निकलती हैं जो कि स्किन को हार्म पहुंचा सकती हैं। सो ठंडियों का टाइम है, ठंडियों में लोगों को आमतौर पर, सभी मोस्टली लोगों को धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड के मौसम में आपकी बॉडी को हीट की जरूरत होती है जो कि धूप से अच्छे से मिलती है। आप कितनी देर तक धूप में बैठे रहते हैं, आपको बिल्कुल भी मतलब गर्म सा हीट सा नहीं लगता। कहने का मतलब ये है कि आप धूप में बैठिए आराम से, लेकिन अपने फेस को डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में लाने से बचाइए, यानी कि आप पीठ के साइड में, यानी कि बैक साइड में अगर बैठेंगे तो सनलाइट का जो डायरेक्ट जो रेडिएशन है वो आपके फेस पे ना आकर के आपके बैक पे आएगा। सो इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। सो धूप में बैठिए, लेकिन सीधे से डायरेक्शन के सामने नहीं। और जिन लोगों की स्किन ब्लैक हो गई है और वो अपनी टैनिंग को बिल्कुल से रिकवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी टैनिंग दूर हो जाए, ब्लैकनेस दूर हो जाए और धूप में बैठ भी सके, तो उसके लिए आज रेमेडी जो शेयर कर रही हूँ उसको अप्लाई कीजिए एंड 2 से 3 दिन के अंदर धीरे धीरे करके आपकी स्किन जो है वो ब्लैक होने से नॉर्मल स्किन, जैसे पहले आपकी स्किन थी वैसी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैक बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पे 1/2 स्पून के लगभग मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और सेम ही क्वांटिटी में आपको यहाँ पे नीम पाउडर लेना है जो कि एंटीसेप्टिक होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होती है और ये आपके एक्ने मार्क्स को, पिंपल के मार्क्स को धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर देती है। यहाँ पे नीम पाउडर, जिनकी स्किन यहाँ पे ड्राई है एक्सट्रीमली वो यहाँ पे चंदन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें 1/2 स्पून। एंड इसके बाद इसको मिक्स करने के लिए आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल, तो कोई भी ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं यहाँ पे, बट आपको फ्रेश नहीं लेना है क्योंकि अगर ये बच जाता है पेस्ट तो आप इसको दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें प्लांट बेस्ड एलोवेरा तो आप इसको एक दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पे पतंजलि का ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। सो 1 स्पून के लगभग हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको यहाँ पे मिक्स कर लेना है। एंड लास्ट में आपको इसमें फ्यू ड्रॉप्स रोज वाटर की ऐड करनी है। अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक है तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। सो पैक इज डन, चलिए अप्लाई कर लेते हैं फेस पे। ब्रश ले लीजिए या फिर हैंड से ही आप इसे अपने पूरे फेस में आप लगा सकते हैं, जरूर नहीं जहाँ पे आपको टैनिंग हुई हो, लेकिन जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है वहां पे आप पहले अच्छे से लगाएंगे, देन उसके बाद पूरे फेस में लगा लीजिए। आप चाहे तो आप इसे नेक एरिया में लगा सकते हैं या फिर अगर आपके हाथ और पैरों की स्किन भी ब्लैक पड़ गई है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा पाउडर है जो कि ऑल स्किन टाइप्स होता है, सभी को सूट करता है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को इन्हेंस करती है और नेचुरल तरीके से आपकी स्किन में ग्लोइंग भी लाती है, दाग धब्बों को दूर करती है, ब्लैकनेस को हटाती है, डलनेस को हटाती है, डर्ड है उसको भी मतलब रिड्यूस करती है, दूर करती है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन को टाइटन भी करती है।
नीम जो है वो एंटीसेप्टिक होती है, आप सभी जानते हैं। नीम की पत्तियां, इसकी छाल का कितना इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल तौर पे अगर हम देखें तो इसके सोप एंड मेडिसिन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको लगा लेना है अपने फेस पे इस तरीके से। तो दोस्तों आपको इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद आपको वॉश कर, फेस को वॉश कर लिया है और अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे, यानी कि हम इसको ड्राई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन भी कर लिया है, यानी कि ड्राई आउट कर लिया है। और ठंड का टाइम है तो फेस को हमें बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे मॉइस्चराइज जरूर कर लीजिएगा। तो कोई भी क्रीम ले सकते हैं, डे क्रीम, और या फिर कोई भी मॉइस्चराइज ले सकते हैं, अपने फेस को अच्छे से यहाँ पे मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको इसे दिन में ही अप्लाई करना है। अगर आप नहाने जा रहे हो तो उसके पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शाम के 5 बजे के पहले आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में इसे अप्लाई नहीं करना है, ओनली वन टाइम इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे आपके जहां जहां पे भी ब्लैकनेस की प्रॉब्लम हो गई है धूप की किरणों की वजह से, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 से 4 दिनों के अंदर आपकी स्किन वापस से वैसी हो जाएगी जैसे कि पहले थी। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू हेल्दी ब्यूटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।